आज के इस वीडियो पे जानेंगे मनुष्य के दिमाग का कितना प्रतिशत काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। एक मनुष्य का दिमाग यह निर्धारित करता है कि वे अपने आसपास की दुनिया को कैसे अनुभव करता है। वर्ष 2013 के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 65% अमेरिकन लोग यह मानते हैं कि हम अपने दिमाग का 10% उपयोग करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि यह सिर्फ एक तथ्य है। यह बात सबसे पहले 1930 में सबके सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिक यह बात नहीं मानते हैं कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग का अधिकतर हिस्सा हमेशा सक्रिय होता है। मानव न्यूरोसाइंस में फ्रंटियर में प्रकाशित एक अध्ययन में 10% वाली इस बात को खारिज कर दिया गया था। दिमाग का वजन 3 पाउंड होता है और हमारे दिमाग में 90% जो कोशिकाएं होती हैं उनको ग्लियल कोशिकाएं कहते हैं। जो बाकी और 10% कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। असली बात यह है कि हमारा दिमाग 100% काम करता है, जिसमें से 90% ग्लियल कोशिकाएं और 10% बचे न्यूरॉन्स कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करती हैं। परंतु लोगों को लगा कि 10% कोशिकाएं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं वही हमारे दिमाग का 10% हिस्सा है जो काम करता है। जब कोई इंसान सोता है तब भी उसका दिमाग उस वक्त सक्रिय होता है। एक साधारण दिमाग fMRI तकनीक, जिसे कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है, यह तकनीक दिमाग में चल रही गतिविधि को माप सकती है, चाहे कोई इंसान अलग अलग कार्य क्यों ना कर रहा हो। इसी तरह की और तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे अधिकतर दिमाग का अधिक समय तक उपयोग होता है, चाहे कोई इंसान बहुत ही आसान कार्रवाई कर रहा हो।